गुड मॉर्निंग फैमिली, सुबह हो गई है। आर्यन का ये ड्यूटी चालू हो गया, ये वाला ड्यूटी। और आप लोग, इनका बन गया टिफिन, बन गया सब कुछ, हो गया है, ये निकलने वाले हैं। और आप लोग को दिखाती हूँ कि बाहर का नज़ारा कैसा है। ये घर से निकलने वाले हैं, घड़ी में देखिए कितना बज रहा है, 6:38 हो रहे हैं, 6:40 पे निकलते हैं, 2 मिनट बाकी है। बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि नजारा क्या है। काफी अंधेरा बाहर ही था, देखो पूरा अंधेरा, लेकिन ड्यूटी आने जाने वाले आते जाते हैं, और जिनका स्कूल है वो भी जाएंगे, लेकिन काफी अंधेरा लग रहा है। बाबा बद्री द्रित नहीं है? नहीं, अंधेरा यहाँ 6:30 7 बजे उजाला होता है। सोचिए 7 बजे उजाला होता है, 6:30 बजे अंधेरा ही रहता है। तो भाई आप लोग जुड़े रही, इतने अंधेरे में जा रहे हैं। A few moments later. तो गाइस इधर देखिए, नहा धो के पूजा पाठ हो गया है। आर्यन तो स्कूल चला गया था जैसे आप लोग को बताया, और आज मैं जा रही हूँ फरा बनाने, और वो भी चावल के आटे का फरा बनाने जा रही हूँ। और चावल फरा कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, उसका फुल रेसिपी आएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। और मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ उसके लिए मैंने इकट्ठा किया है, और कैसे क्या की हूँ। बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, फुल रेसिपी आएगा, आप लोग भी बना के खाइएगा। अक्सर ठंडी के मौसम में फरा सबके घर पे बनता है, तो मैं भी जा रही हूँ आज बनाने। मेरे बच्चे को नहीं पसंद है, ना आर्यन खाता है ना आरो खाता है, लेकिन इन लोग की वजह से क्या क्या मैं स्किप करूँ, कुछ भी नहीं खा पाती हूँ, कुछ सब्जी नहीं खा पाती हूँ। तो बनाती हूँ, देखती हूँ खा लेंगे या कुछ बना देती हूँ उन लोग के लिए भी। तो आप लोग को बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। गाइस इधर देखिए, हमने सफ़ेद उड़द का दाल जो कि मैं भिगो दी थी, और इसको मैं जा रही हूँ मिक्सर में पीसने। ये दाल को पीसूँगी, और इसमें हमने क्या क्या ऐड करूँगी देखिए। ये लहसुन है, अदरक है, मिर्चा है, धनिया है, इधर थोड़ा सा जीरा और मरीच है, और इसमें क्या डालूँगी, ये देखिए एवरेस्ट का गरम मसाला, 1 चम्मच गरम मसाला डालूंगी, और ये हींग है, एवरेस्ट का ही हींग है। तो ये सब चीज़ हम पहले पीस लेते हैं, फिर उसके बाद आप सबसे मिलती हूँ मैं। मैंने दिन का हुक्म। सो गाइस इधर देखिए, हमारा दाल पीस के हो गया है। दाल में पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, सूखा पीसना है। और ये जो लहसुन, मिर्चा, अदरक, जीरा, मरीच था, इसको मैंने एकदम सूखा ही पीसा हुआ है, इसमें भी पानी ऐड नहीं करना है। तो हमने सब ऐड कर लिया है, और बाकी अभी मैं इसमें डालूँगी कप, मैं आप लोग को बताती हूँ। थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर भी ले लेते हैं, और ये रहा हमारा आटा चावल का। तो हम इसको ऐड करेंगे, और आप लोग को दिखाते हैं, या आरो बुलाती हूँ थोड़ा सूट कर लेगा, क्योंकि कैसे हम सूट करेंगे, कैसे मिलाएंगे। सो गाइस हम ये आटे को हम क्या करेंगे, आटे के लिए थोड़ा सा मैं गर्म पानी ऐड गर्म कर लेती हूँ गूंथने के लिए, क्योंकि गर्म पानी से गूंथेंगे तो हमारा जो है ये आटा जो है सॉफ्ट रहेगा, और फरा बनाने में वो क्या होगा कि। तो इधर देखिए हमारा पानी गर्म हो रहा है, जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ ये जो हमने पीसा है, देखिए इसको इसमें डालती हूँ। ये क्या है ये सर? हम सब बताए हैं, और उसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ। लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, आप लोग देख सकते हैं ये भी एवरेस्ट का है, इसमें 1 चम्मच मैं गरम मसाला डाल देती हूँ। और इधर पानी गरम हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, पानी गरम कर रही हूँ आटा गूंथने के लिए। पिलो गरम हो गया है। हाँ, इधर ये सब हो गया है, और इसमें मैं हींग डालूंगी। हींग तो जरूर डालिए, हींग से पेट सही होता है। हींग इतना मैं डाल दे रही हूँ, और इधर देखिए इसमें मैं धनिया का पत्ती भी काट के डाल देती हूँ। अब इसको मैं क्या करूँगी,
इधर दिखाओ, इधर पूरा कर ये अच्छे से पूरा, कैसा धूप छाई छाई। तो इधर देखिए हम इसको अब हाथ से सब मिला लेंगे। और पानी देखिए इधर गर्म हो गया है, गर्म हो गया है। मैं इसको बंद कर देती हूँ गैस को, और इधर इसको मैश कर लेती हूँ। इसको मिला के रख देती हूँ, तब आटा सानती हूँ। अभी नमक नहीं ऐड की हूँ, क्योंकि नमक डालूंगी तो ये गीला हो जाएगा। जब हमें बनाना रहेगा तब मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। नमक पहले से डाल दो तो पूरा गीला हो जाएगा ये। तब तक आप जुड़े रहिए, मैं इसको मिला के तब ये चावल का आटा है। चावल के आटा में थोड़ा सा मैं गेहूं का आटा इतना थोड़ा सा मिक्स कर रहे हैं। चावल का आटा कितना सॉफ्ट रहता है। मम्मी थोड़ा चावल चावल काटा दो। क्या करोगे चावल काटा? थोड़ा ऐसे वो अच्छा लगता है, चावल काटा नरम रहता है। नहीं, वो ऐसे करते एकदम नरम उसको लगता है। दोना नहीं, अब सब फैलेगा, घर गंदा होगा। और जो रोटी वाला भी आटा होता है। मैं जा रही हूँ इसको देखो सामने, और पानी गर्म है। एक मिनट इससे लो ना, इससे इसको चम्मच से मैं डालती हूँ। एक मिनट, उधर चम्मच है, दो इधर। तब तक मैं चम्मच इस आटे में मैं थोड़ा सा नमक ऐड करूंगी। देखिए ये तो और चावल के आटे कैसे लग रहा है। नमक ऐड कर दे रहे हैं। वो नमक से थोड़ा गोरा हो गया। आप लोग भी इस तरीके से बनाते हैं। बहुत लोग हैं कि बफा के बनाते, मतलब पानी में ऊपर चलनी रख के बनाते हैं। और बहुत लोग पानी उबाल के, मतलब पानी में डाल के बनाते हैं। तो मम्मी क्या आप सान क्यों बनाती हो? नहीं, हम उबाल, आज मैं पहली बार बनाऊंगी उससे। उबाल के? नहीं, उबाल के तो हम हमेशा बनाते हैं। क्या? लेकिन ये आज बनाएंगे बफा के। अच्छा, बफा के क्या होता है? पानी के ऊपर रख के, अब भाप के, भाप से होगा ये, जल रहा है। तो आप लोग जुड़े रहिए, मैं सान के फिर मिलती हूँ। ठीक है। तो गाइस इधर देखिए, मेरा आटा सान के हो गया है। और मैं कढ़ाई में पानी रखती हूँ, ये जाली है। इसमें मैं थोड़ा सा पूरा तेल लगाऊंगी, आपको दिखाती हूँ। तेल लगाती, क्योंकि वो चिपकेगा नहीं, तेल लगाने से चिपकेगा नहीं। और बहुत आरो कैमरा हिला रहा है, हमें शूट करने में बहुत परेशानी हो रही है। ये है हमारा तेल, थोड़ा सा रहा। इसमें कौन सा तेल है? ये देखिए, इसमें पूरा हम लगा देते हैं ताकि चिपके नहीं। अब मैं आटा सान गई हूँ, मैं कैसे क्या करती हूँ आप लोग को जरूर दिखाती हूँ। जुड़े रहिए आप लोग। थोड़ा ऐसे देखो, थोड़ी देर के लिए ऐसे देखो। ऐसे कैसे देखो बेटा, अभी मुझे बहुत काम है। सो गाइस इधर देखिए, मैं पानी रख दी हूँ इधर थोड़ा सा कढ़ाई में, इधर बॉयल हो रहा है। इधर मैंने इतना रोटी की तरह बेल के रख दिया है। अब इसको इसी गिलास से इसको आकार से काट लेंगे। बहुत लोग हाथ से हथेली पे तेल रख के ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो हम ऐसे गिलास से एक साइज का मम्मी ले रहे हैं। ये क्या होता है? तो वो बनता है ना। और इसको किस तरीके से मैं बनाऊंगी आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऐसे करूंगी और इसको पूरा मोड़ूंगी ऐसे। ओ, ऐसे करके थोड़ा बड़े के एकार से करती। तो इसको देखो, ये ऐसे इस तरीके से हम इसको रखेंगे इसमें सरिया के। तो आप लोग ऐसे मैं पूरी देखते रहिए आप लोग, ये ऐसे बनाऊंगी। इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है, मैंने सूट नहीं कर पाई तो आप लोग को बता देती हूँ कि हमने नमक ऐड किया है। और देखिए तब तक आप जुड़े रहिए। ऐसे इसी तरीके से पूरा बनेगा, आप लोग देख लीजिए। और इसको पूरा ऐसे बंद नहीं करना है, इसको पूरा बंद नहीं करना है। इस तरीके से ऐसे थोड़ा हल्के हाथ से दाबना है। तो इसी तरीके से पूरा बनेगा, मैं आप लोग जुड़े रहिए, बना के फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो गाइस इस तरीके से मैंने सारे थाली में रख दिए। इधर जो पानी मैं रखी हूँ, पानी में इसको ऐसे सीधे आरो थोड़ा दिखाओ बेटा, दिखाओ ऐसे, दिखाओ ऐसे करके इसमें रख देती हूँ कढ़ाई में।
और ऊपर से गैस बंद कर दोगी? नहीं, गैस ऑन रहेगा। इसको ऐसे थाली से ढक देती हूँ। अब ऐसे इसी तरीके से भाप के तरीके से होगा। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसे रखी हूँ तो भाप के तरीके से भाप से होगा। क्लीन दिख रहा है, भाप से होगा। जल गया। सो गाइस, एक घान का मैंने इधर चढ़ा दिया है, हो रहा है। और इधर बना के एक प्लेट रखी हूँ। और इतना हमारा आटा सेव बच गया है क्योंकि दाल ख़त्म हो गया, तो ऐसे ही थोड़ा सा 2 घान का बचा है। तो इसी तरीके से देखिए सब बनता है। अक्सर गांव वालों को पता होगा हमारा फरा जो हमने तेल लगाया था, एकदम पूरी तरह से इसमें चिपका नहीं है, अच्छे से निकल रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ दूसरा कट में। इस तरीके से हमारा फरा बन के रेडी हो जाएगा। आप गाइस इधर देखिए, फरे के साथ साथ हमने आलू टमाटर मटर की सब्जी भी बना ली है। और कितना प्यारा कलर लग रहा है इसका, सब्जी का। हमको तो आलू टमाटर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। इधर हमारा फरे। तो कैसा लगा आप लोग को, तो कैसा लगा हमारा फरा का रेसिपी? और मैंने एक टेस्ट भी किया, काफ़ी अच्छा बना हुआ है और स्वादिष्ट बना हुआ है। आप लोग भी इसी तरीके से बना के खाइए एक बार, और कमेंट करके जाइएगा पूनम दीदी आपके बताए हुए रेसिपी से मैंने आज अपने घर भी फरा बनाया है और बहुत टेस्टी बना है। तो हम ऐसे ही आजकल कुछ थोड़ी थोड़ी रेसिपी लेके आने वाले हैं, कुछ बनाने वाले हैं। आज मैं सोच रही थी इमरती बनाने के लिए, तो एक दिन इमरती बनाऊँगी तो उसकी फुल रेसिपी डालूँगी। तो आप लोग हम फ्रेंच फ्राइज कल बनाए, आज फरा बनाए, अब इमरती सोच रही हूँ बनाने के लिए। थोड़ा सा अपने अंदर खाने वाला टिन 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 टिन, क्योंकि बच्चे लोग को नए, मेरे बच्चे को तो कुछ पसंद ही नहीं है, क्या मैं बताऊँ। अब आर्यन खाना ही नहीं खाया, मैं बनाए इधर।